हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट है, आपको पता होना चाहिए डेटा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी चीज़ की अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप चाहें तो देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्सडे के दिन वोडाफोन आइडिया के स्टॉक प्राइस में हम देखें तो 10.100 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 9.80 का लो और 10.15 का हाई बनाया और 9.95 के ऊपर बंद हुआ। 17,48,55,380 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 28,591 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 4.55 का और हाई है 13.80 का। दोस्तों, एक खबर है, ये कहीं ना कहीं घिसी पिटी आपको खबर जरूर लगेगी। मैं घिसी पिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डेटा आपको मंथली ट्रैक करते रहना चाहिए, और घिसी पिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसी खबर हम लोगों को चाहिए, जैसी हमें उम्मीद है, वो खबर नहीं आ रही। हमें उम्मीद है फंड को लेके, लेकिन वो खबर नहीं आ रही है। उसके सामने ये खबर घिसी पिटी नज़र आएगी, लेकिन फिर भी आपको बोलूँगा कि ये डेटा आपको ट्रैक करते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अक्टूबर के महीने के अंदर किसकी क्या स्पीड परफॉर्मेंस रही है सारे ऑपरेटर्स में, इन्होंने अपडेट किया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये डेटा मंथली रिलीज करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के 4G स्पीड्स की बात करें तो पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर साबित हो रही है, क्योंकि इनकी इंटरनेट क्वालिटी सर्विस काफ़ी बढ़िया होती जा रही, क्योंकि ये 4G के ऊपर थोड़ा काम भी कर रहे हैं। प्लस 4G के इनके पास जो है कस्टमर बेस कंपैरेटिवली थोड़ा कम हो गया है। तो इस तरीके से जब कस्टमर बेस कम होगा तो डेफिनेटली जो एलोकेशन है, शेयरिंग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगी। तो एक तरीके से जो है इंटरनेट स्पीड यहाँ से ज़्यादा ऑब्वियसली होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, दो तरीके की स्पीड देखी जाती है, अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड। तो डाउनलोडिंग स्पीड की हम सबसे पहले बात करें तो रिलायंस जियो यहाँ पे 21.9 मेगाबाइट पर सेकेंड के एवरेज इंटरनेट स्पीड से टॉप पोजीशन पे बैठा हुआ है। हालांकि 4G डेटा डाउनलोड स्पीड के अंदर इनको थोड़ा सा डिप भी देखने को मिला था, मार्जिनल डिप देखने को मिला था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने 21.9 Mbps की स्पीड को अचीव करने में कामयाब रहा टॉप पोजीशन के साथ। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं रिलायंस जियो के अलावा भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, इनकी क्या सिचुएशन रही? दोस्तों, स्टेटिस्टिक्स से पता चलता है कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 4G जो इस डाउनलोडिंग स्पीड रही है 15.6 Mbps की रही है, जबकि इससे पहले इनको 6.5 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड देखने को मिली थी। ऑन दी अदर हैंड, भारतीय एयरटेल की बात करें तो इन्होंने 13.2 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया, जबकि इससे पहले 5 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड थी जून के महीने के अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरी स्पीड, अपलोडिंग स्पीड की। तो अपलोडिंग स्पीड की के पैरामीटर पे देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया नंबर वन पोजीशन पे बना हुआ है 7.6 Mbps की इंटरनेट टॉप स्पीड के साथ, जो कि इसके पिछले 5 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया। बात करें भारतीय एयरटेल तो 6.4 Mbps की स्पीड के साथ बना है, और जियो 6.4 Mbps की अपलोडिंग स्पीड के साथ दूसरे पोजीशन पे है, और तीसरे पोजीशन पे भारतीय एयरटेल है जिसकी अपलोडिंग स्पीड 5.2 Mbps देखने को मिली है। डाउनलोड स्पीड से यूज़र्स को एक्सेस मिलता है डेटा को कंज्यूम करने का बार बार इंटरनेट, और अपलोड स्पीड से भी जो है बहुत सारे फाइल्स या कंटेंट अपलोड करने होते हैं लोगों को इंटरनेट पे। तो एक तरीके से दोनों डेटा जो है ट्राई की तरफ से जो रिलीज़ किए जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको ट्रैक करते रहना चाहिए। देखिए, घिसी पिटी में इसको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़ंड की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है। हमें जिस चीज़ की भूख है वो चीज़ नहीं मिल रही है, उसकी जगह पर पानी मिलेगा तो थोड़ा सा मूड जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पानी भी ज़रूरी है मिलना, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डेटा भी आपको चेक करना चाहिए, ये भी ट्रैक करते रहना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस क्या चल रही है, किस तरीके की सर्विस चल रही है, प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है फंड की बात,
मैं बार बार फंड बोलता हूँ और बोलूँगा, क्योंकि फंड हमारी इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल है दोस्तों। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे हम कुछ और डिस्कस करेंगे। टेक केयर।